दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25x30 के हाउस प्लान की, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका साइज है महज 25x30। और अगर आप यहाँ कार पार्किंग करना चाहें तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्लान बताने वाला हूँ बहुत ही बेस्ट प्लान है। अगर आपके पास 25x30 स्क्वायर फिट की ज़मीन है और आप उसे मकान बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने दोस्तों मात्र ग्राउंड फ्लोर ही बनाया, मतलब एक फ्लोर ही बनाया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न हाउस डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको वो सारी स्टाइल और डिज़ाइन मिलेगी जो अभी लेटेस्ट चल रही है। तो चलो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार देख सकें। यहाँ पर दोस्तों चैनल पर हमारे लगातार अपडेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलो पूरा डिस्कस करते हैं प्लान। तो जैसा कि मैं बता दूँ इस प्लान को, मैंने इसका साइज़ बता दी। फ्रंट की बात करूँ, सामने की बात करूँ तो फ्रंट से देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये मकान आपको ऐसा दिखने वाला है। फ्रंट की सामने से ये जो मैंने बनाया ये डिज़ाइन का पार्ट है दोस्तों, ये आप बीम टाइप का देख रहे होंगे। और ये आपका यहाँ पर आप अपनी बाइक या जो भी है यहाँ पर चढ़ाएंगे, सामने से रोड आएगा होगा। ये आपका रूम है जिसमें एक विंडो दिया है, ये थोड़ा मैंने स्टाइलिश कर दिया है और ये डिज़ाइन बना दिया है। अगर हम बात करें इधर की तो ये यहाँ तीनों साइड क्लोज्ड होगा और ये 30 फिट लंबाई है, यहाँ पर 25 फिट इसकी चौड़ाई है। अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रांसपेरेंसी की, जैसे कि हमेशा की तरीके मैं आपको ट्रांसपेरेंट करके मॉडल को ज़रूर दिखाता हूं, तो आज फिर मैं ट्रांसपेरेंट करता हूं। जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये मॉडल देखिएगा आपको पूरा हूबहू दिखने लगता है, चारों तरफ से दीवारें इसकी पूरी हाइड हो जाती हैं और ये आपका मॉडल ऐसा दिखने लगता है आफ्टर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स है दोस्तों पूरा आपको अंदर तक सब दिखता है कहाँ पर क्या है। अब अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर दें, फिर से इसको ले आएँ ओरिजिनल पोजीशन पर, तो ये मॉडल ऐसा दिखता है। तो चलो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसे आप यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ से तो सबसे पहले आपको मिल जाती है स्टेयर्स। ये देखिएगा यहाँ पर एक ओपन से स्टेयर्स अंदर से आई हैं, ये आपको देख पा रहे हो, ये स्टेयर्स हैं दोस्तों एल साइज की, और ये स्टेयर्स आपको देखने को मिलती हैं ये, ठीक है। अंदर आते हैं सबसे पहले आपको एक गेस्ट रूम मिल जाता है, ये देखिएगा गेस्ट रूम, और यहाँ पर आप सोफ़ा वगैरह टीवी वगैरह सब लगा सकते हैं। ये आपका मेन डोर है, ये इसका विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और इस रूम में अगर आप, मैंने यहाँ पर फ्रंट में भी एक विंडो दिया, अगर आप यहाँ देना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है यहाँ या ना भी दें, क्योंकि फ्रंट पर ऑलरेडी एक विंडो मैंने लगा रखा है। तो ये इसका मेन डोर और ये हो गया इसका गेस्ट रूम। अब जैसे आप एंट्री करते अंदर तो आपको पीछे की साइड मिल जाते हैं दो बेडरूम, देखिएगा ये दो बेडरूम आप देख पा रहे होंगे, एक ये है और एक ये है, और बीच में आपको मिल जाता है लेटरिन और बाथरूम, और ये साइड में आपको मिल जाता है ओपन किचन। ये देखिएगा ये आपका किचन का एरिया दिख रहा होगा, और हर एक बेडरूम में अलग डोर दिया है, अलग विंडो दिया है जिसमें वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और ये आपका लैट एंड बाथरूम, लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे बीच में है दोनों रूम्स के, और ये आपका है आपका ओपन किचन। अगर अब आपको इनके साइज जानने हैं कि रूम कितने बाई कितने का है, और ये आपका लेटरिन बाथरूम और गेस्ट रूम या जो भी है, इनका सभी का साइज जानने के लिए आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट पर, और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। यहाँ पर ये देखिए हाउस प्लान मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जूम करके आप इसको देख सकते, इसका लिंक डायरेक्टली मैं आपको दूंगा। और इसको लेकिन आपको परचेज करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप 99 रुपीज़ का परचेज कर ले, मात्र मैं इसीलिए प्राइस बहुत ही कम रखता हूं दोस्तों, जिसमें किसी को परचेज करने में प्रॉब्लम ना हो, मात्र 99 रुपये में आप इसको बाई नाउ पर क्लिक करके इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम पता रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, मतलब आपको नाम पता ईमेल सब देना होगा, और आप जैसे पेमेंट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल में सेव हो जाता है, जाके आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे वहाँ पर ये सेव हो जाएगा और आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे एज अ जिप फाइल। और जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने इसका 2D इमेजेस 3D इमेजेस विथ साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इसको मोर डिटेल जानना चाहते हो तो आप इसको खरीद लें 99 रुपीज़ में। अब हम फिर से चलते हैं इसके ओरिजिनल पोजिशन पर, ये तो होगा पूरा ग्राउंड फ्लोर और ये डिजाइनिंग का पार्ट। अब हम आपको ले चलते हैं इसके लास्ट फ्लोर, एक ही फ्लोर दोस्तों, बस इसको मैं ऊपर ले चल, जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे, मैंने फिलहाल यहाँ ऊपर आने का कोई भी रास्ता नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर आपको
एक रूम और क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर बनवा देते तो आपको गुमटी बनवानी पड़ेगी जिसमें आपका बारिश का पानी ना जाए। तो ये तो फ्रंट से डिजाइनिंग, ये रेलिंग मैंने चारों तरफ दे दी है, ढाई से तीन फीट का आप देख पा रहे हो ये रेलिंग, और उसके ऊपर डिजाइनिंग का पार्ट। ये आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए रेलिंग में डिजाइनिंग भी बन जाती है और आपको वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये तीनों चीज़ जो आप ये हरे कलर, ग्रीन कलर का और वाइट कलर का डिजाइनिंग है, बीम का पार्ट है, और ये आपका विंडो है, ये भी आपको डिजाइनिंग दिया है मैंने स्टार्टिंग से। ये पूरा आपका मॉडल डिस्कस हो जाता है। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, शायद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको कोई रिकमेंडेड मॉडल है तो मुझे कमेंट करें, और हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लें, और वहाँ पर क्योंकि मैं अपडेटेड जो भी, जैसे सपोज दैट मैं कोई बनाता हूँ प्लान, तो उसका मैं वहाँ पर अपडेट देता हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।